गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों पुनः आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय छात्रगण, गांधी युग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन, यह टॉपिक आपने शुरुआत की थी। छात्रगण, विगत कक्षाओं में चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, किस तरह से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पहली बार चंपारण सत्याग्रह से प्रवेश किया था, किस प्रकार से गांधी जी ने तीन कठिया पद्धति, गिरमिटिया प्रणाली, जिसके तहत प्रत्येक किसान को जो कि चंपारण में रहते थे उन्हें अपने कुल भूमि का 3/20 हिस्से पर जो है क्या करना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी, इसे ही तीन कठिया पद्धति कहते थे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इसे ही गिरमिटिया प्रणाली भी कहा जाता था। क्या नुकसान होता था इससे? इससे नुकसान यह होता था कि किसानों की फसल बर्बाद होती थी, किसानों की जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी और किसान बेचारे जो है बेमौत मारे जाते थे, यह उन्हें आर्थिक नुकसान होना झेलना पड़ता था। यही कारण है कि राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। चंपारण सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय कौन थे छात्रगण? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए छात्रगण। चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना है, इसे भी मनन करना है, इसे भी याद रखना है। आज छात्रगण हम लोग जिस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। हेडिंग बन गया छात्रगण, ब्रैकेट में लिखेंगे 1918। वेरी गुड। अब लिखेंगे छात्रगण, गुजरात के अहमदाबाद में मजदूर मिल मालिक अंबालाल साराभाई से 35% प्लेग बोनस 35% प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे 35% प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे परंतु मिल मालिक ने प्लेग बोनस देने से इनकार कर दिया। मिल मालिक ने प्लेग बोनस देने से इनकार कर दिया जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने मजदूरों के समर्थन में यह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, तीर का निशान। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार अनसन, इनवर्ट कॉमा लाइन में रखेंगे छात्रगण, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, सुपर हिट है। अनसन या भूख हड़ताल समझते हैं ना आप लोग, बचपन में आपने भी किया होगा अपनी जिद को मंगवाने के लिए अपने मम्मी पापा के सामने, भूख हड़ताल का प्रयोग किया था नेक्स्ट, 15 मार्च से 18 मार्च 1918 तक गांधी जी
मिल मालिक अंबालाल साराभाई, मिल मालिक अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई को इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छात्रगण। मिल मालिक अंबालाल साराभाई, साराभाई को मिल मालिक अंबालाल साराभाई को नहीं लिखेंगे, के कारखाने के सामने के कर देंगे छात्रगण, के कारखाने के सामने अनशन पर बैठ गए। नेक्स्ट, तीर का निशान लाल कलम या हरा कलम से। इस अनशन में मिल मालिक की बहन, अनुसुईया साराभाई, मिल मालिक की बहन अनुसुईया साराभाई महात्मा गांधी के समर्थन में, अनुसुईया साराभाई को इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छात्रगण। अनुसुईया साराभाई महात्मा गांधी के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठी थी, महात्मा गांधी के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठी थी, बैठी थी। नेक्स्ट, मात्र चार दिनों के अनशन, मात्र चार दिनों के अनशन के पश्चात गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल बना दिया, सफल बना दिया। नेक्स्ट, तीर का निशान गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान पहली बार मजदूरों के हित में, पहली बार मजदूरों के हित में ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था, मजदूरों के हित में ट्रस्टीशिप सिद्धांत इनवाइट कॉमा अंडरलाइन दीजिएगा छतगन दिया था। छतगन यह है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। क्या सवाल आएंगे छतगन, गौर करें। प्रतियोगिता परीक्षाओं में विजेता वही बनता है जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को जानता है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। सर, जब मैं कंपटीशन फील्ड को फेस करूंगा, लाखों लोगों के बीच जाऊंगा, तो वहां पर मुझे अपने क्वेश्चन पेपर्स में या मुझे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन की प्रकृति क्या होगी, क्वेश्चन की रूपरेखा क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस चीज को जिस दिन आपने जान लिया, इस पर जिस दिन आपने कमांड कर लिया, आप कॉम्पिटिशन के विजेता बन जाएंगे। आपको सिकंदर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। छतगन क्या सवाल आएंगे, गौर करेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में देगा 1915, दूसरा ऑप्शन देगा 1916, तीसरा ऑप्शन देगा 1917, चौथा ऑप्शन देगा 1918। क्या लगाइएगा छतगन? नंबर चार, 1918। डी ऑप्शन को रंग दीजिएगा। दूसरा सवाल पूछेगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन में देगा बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल। क्या लगाइएगा? गुजरात में हुआ था, है ना। फिर पूछेगा आपसे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन देगा मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन में देगा महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन में देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या लगाएंगे छतगन? हाँ, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूछेगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में मजदूर
कितने प्रतिशत प्लेग बोनस की मांग अपने मालिक से कर रहे थे? छतगन ऑप्शन में देगा 30%, दूसरा देगा 35%, तीसरा देगा 40%, चौथा देगा 50%। क्या लगाइएगा? 35%, 35% की मांग कर रहे थे। इसे भी छतगन आपको ध्यान देना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा। फिर आपसे पूछेगा छतगन इसी क्रम में, उसे भी आपको ध्यान देना है, उसे भी आपको मनन करना है, उसे भी आपको अध्ययन करना है, उसे भी आपको याद रखना होगा। छतगन सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको उस पर पैनी निगाह रखनी होगी, आपको उसको ध्यान केंद्रित करना होगा, आपको उसको मनन करना होगा। छतगन पूछेगा सवाल आपसे, भारतीय इतिहास में पहली बार महात्मा गांधी ने अनशन या भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? ऑप्शन में देगा चंपारण सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन में देगा नमक सत्याग्रह, तीसरा ऑप्शन में देगा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा ऑप्शन में देगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या लगाएंगे छतगन बताइए? एग्जामिनेशन में पूछ देगा ये सवाल, एसएससी में पूछ देगा, रेलवे में पूछ देगा, जेपीएससी में पूछ देगा, सीटेट में पूछ देगा, जेटेट में पूछ देगा, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा। तो आप क्या लगाइएगा? हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने भारतीय इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया कॉन्सेप्ट लाया था, एक नया प्रयोग किया छतगन, और वो था अनशन का, भूख हड़ताल का प्रयोग, और ये सफल रहा। पूछेगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी, है ना? छतगन ऑप्शन में देगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, है ना? तो छतगन क्या लगाइएगा, क्या जवाब आपका आएगा? हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, 4 दिन। ठीक है छतगन, 15 मार्च को शुरू किया 1 दिन, 16 मार्च दूसरा दिन, 17 मार्च तीसरा दिन, 18 मार्च चौथा दिन, 4 दिन का भूख हड़ताल इन्होंने किया था, 15 मार्च से 18 मार्च 1918 को, ध्यान देंगे। पूछेगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में मिल मालिक का क्या नाम था? तो आपको लगाना होगा मिल मालिक का नाम था अंबालाल साराभाई। मिल मालिक की बहन का क्या नाम था? तो आपको लगाना होगा अनुसुईया साराभाई। छतगन गांधी जी में इतना आकर्षण था, गांधी जी सच के रास्ते पे जब चलते थे तो छतगन हर लोग उनका साथ देने के लिए आ जाते थे। सोचिए मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया साराभाई, लेकिन इन्होंने सच्चाई के रास्ते में अपने भाई का साथ नहीं दिया, क्योंकि उनके भाई गलत थे। सच्चाई के रास्ते में इन्होंने किसका साथ दिया छतगन? अपने भाई का साथ न देते हुए गांधी जी का साथ दिया। सोचिए आप, ये भी मजदूरों के समर्थन में अनशन पर बैठी थी, ये भी मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठी थी। छतगन आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, आप इसी बात से जो है अपने आप को बता सकते हैं कि हाँ कितना जबरदस्त गांधी जी का प्रभाव था, एक चमत्कारिक व्यक्तित्व थे छतगन, ध्यान देंगे। छतगन पूछेगा भारतीय इतिहास में पहली बार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो छतगन ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कि मजदूरों का भी ट्रस्ट होना चाहिए, मजदूरों के लिए भी ट्रस्ट बनना चाहिए, यह सिद्धांत पहली बार गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था छतगन? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में दिया था। यह भी आपको ध्यान रखना होगा, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। इसलिए छतगन पैनी निगाहें रखें, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को अध्ययन करें, जबरदस्त रूप से आता है। छतगन एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं इस आंदोलन को आपको समझा दूं। छतगन चंपारण सत्याग्रह का जब गांधी जी ने सफल नेतृत्व किया तो लोगों की उनसे उम्मीद और आकांक्षाएं बढ़ गई। छतगन गुजरात के अहमदाबाद के मजदूर गांधी जी के शरण में गए और उन्होंने कहा, गांधी जी हाथ जोड़कर कहा, गांधी जी आपने चंपारण के कृषकों को न्याय दिलाया है, हमें भी न्याय दिलाइए। गांधी जी ने कहा, क्या न्याय चाहिए तुम्हें? मजदूरों ने कहा, हमें प्लेग बोनस चाहिए, हमने अपने मालिक के प्रति समर्पित भाव रखते हुए प्लेग जैसी बीमारी में भी उनके कारखाने में काम किया, हमारे सगे संबंधी की मृत्यु हो गई, हम खुद जो है प्लेग से पीड़ित हो गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने महंगाई का सामना किया और हम आज प्लेग बोनस मांग रहे हैं, तो मालिक हमें प्लेग बोनस देने से इनकार कर दे रहा है, हमें प्लेग बोनस चाहिए 35%। छतगन गांधी जी ने कहा, तुम्हारी मांग बिल्कुल जायज है,
जब तुमने अपने मालिक के प्रति इतनी श्रद्धा दिखाई है, जब तुमने अपने मालिक के प्रति अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया है, तो फिर तो यह फर्ज बनता है कि तुम्हें मिले। क्या नाम है तुम्हारे मिल मालिक का? गांधी जी ने पूछा तो मजदूरों ने कहा अंबालाल साराभाई। क्या नाम कहा छात्रगण? अंबालाल साराभाई। गांधी जी हवा करा गए। क्यों? क्योंकि अंबालाल साराभाई गांधी जी के बचपन के मित्र थे, बहुत ही करीबी मित्र थे। गांधी जी ने कहा अरे ये तो मेरा मित्र है, ये तो हमारे साथ स्कूल में पढ़ा हुआ है, हम लोग एक ही बेंच में बैठते थे। मजदूरों को निराशा आ गई, चेहरे पर उदासी आ गई। उन्हें लगा कि चूंकि मिल मालिक गांधी जी का मित्र है तो अब तो गांधी जी आंदोलन नहीं करेंगे, अब तो गांधी जी मजदूरों का साथ नहीं देंगे, अब तो गांधी जी मिल मालिक का साथ देंगे। ये मन में विचार आने लग गया, मजदूरों के मन में डर समा गया। तब गांधी जी ने कहा मेरे प्रिय मजदूर भाइयों, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई जहां होती है गांधी वहां खड़ा होता है, जहां पर सच्चाई नहीं होती है वहां पर गांधी का कोई काम नहीं है। गांधी के सामने यदि उसके पिता भी आ जाएं और वो गलत हों तो उनके खिलाफ भी गांधी जी आंदोलन करने से नहीं चूकते थे। ये उनकी थी सत्याग्रह की नीति, ये था उनका सोच छात्रगण। और उन्होंने कहा कि मिल मालिक मेरा मित्र जरूर रहा है लेकिन आज वो गलत है, मैं उसके खिलाफ भी अनशन करने से, मैं उसके खिलाफ भी भूख हड़ताल करने से नहीं सोचूंगा, नहीं चुकूंगा। और छात्रगण इतिहास गवाह है कि मात्र 4 दिनों की भूख हड़ताल के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल बना दिया और भारतीय इतिहास में अपने आप को और भी लोकप्रिय बना लिया। इसलिए छात्रगण अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के हर पहलुओं को आपको याद रखना होगा। पहली बार अनशन का प्रयोग गांधी जी ने इसी आंदोलन में किया था, मात्र 4 दिनों का अनशन था, 15 मार्च से 18 मार्च। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी पहली बार गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। मिल मालिक का नाम अंबालाल साराभाई था, मिल मालिक की बहन का नाम अनुसुईया साराभाई था। प्लेग बोनस की मांग मजदूर कितना कर रहे थे? 35% प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। ये सारे चीजों को छात्रगण याद कर लें, कहानी की तरह इतिहास को पढ़ें, इतना आनंद आएगा, मजा आएगा, आपको लगना चाहिए कि आपके सामने गांधी जी मौजूद हैं, आपके सामने अंबालाल साराभाई मौजूद हैं, आपके सामने कोई फिल्म चल रही है जहां मजदूर लोग अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे तैयारी कीजिएगा, ऐसे पढ़िएगा, ऐसे याद करिएगा, ऐसे मजा लीजिएगा इस विषय में, तो यह विषय बहुत ही आनंददायक है, आपको स्वतः आनंद से सराबोर कर देगा, ऐसा मैं दावा करता हूं। और यह निश्चित तौर पर आपके लिए उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। अगले टॉपिक का छात्रगण हेडिंग बनाएगा खेला सत्याग्रह। खेला सत्याग्रह बैकग्राउंड में कर देंगे छात्रगण 1918। खेला सत्याग्रह हेडिंग बनाएगा छात्रगण बैकग्राउंड में 1918। छात्रगण तीर का निशान देकर लिखेंगे, गुजरात के खेड़ा नामक स्थान में कृषकों के लगान संबंधी समस्या के निवारण हेतु गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट तीर का निशान, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक प्रसिद्ध कथन कहा था। कर नहीं देंगे। इनवाइट कॉमा अंडरलाइन में रखिएगा छात्रगण, कर नहीं देंगे। नेक्स्ट तीर्थंकर, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार गुजरात के 2 प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताओं
वल्लभ भाई पटेल एवं विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल एवं विठल भाई पटेल पटेल से मिले थे। हो गया कंप्लीट छात्रगण? हाँ, वेरी गुड। छोटी सी टॉपिक है ये, इससे सवाल जो आते हैं वो बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? क्या बताइएगा आप? गुजरात राज्य में। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1918 में हुआ था, है ना छात्रगण? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, किस राज्य में? गुजरात राज्य में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? ऑप्शन में देगा मजदूरों का, दूसरा ऑप्शन में देगा कृषकों का, तीसरा ऑप्शन में देगा नील कृषकों का, चौथा ऑप्शन में देगा इनमें से किसी का नहीं, आपको लगाना होगा कृषकों का, सिर्फ कृषकों का समर्थन किया था, क्योंकि मजदूरों का समर्थन तो किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, नील कृषकों का समर्थन किया था चंपारण सत्याग्रह में, इसलिए क्या होगा छात्रगण? कृषकों का समर्थन किया था। खेड़ा सत्याग्रह में कृषकों की समस्या क्या थी छात्रगण? प्राकृतिक विपदा के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, किसानों के अनाज चौपट हो गए थे, किसानों के खेत लहूलुहान हो गए थे और किसान लगान दे पाने में असमर्थ थे, फिर भी ब्रिटिश सरकार उनसे जबरदस्ती बलपूर्वक लगान चाहती थी, इसी बात से किसानों में जबरदस्त त्राहिमाम था छात्रगण, और वो गांधी जी के पास गए, अपने पालनहार के पास गए और उन्होंने कहा कि गांधी जी आप ही हमें न्याय दिलाइए। छात्रगण गांधी जी जिला मजिस्ट्रेट के पास किसानों का हुजूम लेकर पहुंच गए और कह दिया मजिस्ट्रेट से कि हम कर नहीं देंगे, वी वॉन्ट पे टैक्स, है ना। छात्रगण पूछेगा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान पहली बार भारतीय इतिहास में कहा था कर नहीं देंगे? क्या जवाब होगा आपका छात्रगण? हाँ, वेरी गुड, खेड़ा सत्याग्रह में कहा था, है ना। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था छात्रगण? 1918 में। किस राज्य में? गुजरात में हुआ था। छात्रगण महात्मा गांधी का सौभाग्य और दो भाइयों गुजरात के जो कि वकील थे पेशे से और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये भी महानायकों में ही आते हैं, वल्लभ भाई पटेल विठल भाई पटेल, इन दोनों से पहली बार महात्मा गांधी की मुलाकात इसी आंदोलन में हुई थी छात्रगण। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी की मुलाकात पहली बार वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल से हुई थी। इस चीज को भी आपको छात्रगण याद रखना होगा, इस चीज को भी आपको मनन करना होगा, इस चीज को भी आपको स्मरण करना होगा। पूछेगा महात्मा गांधी की वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल से पहली बार मुलाकात किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ऑप्शन में देगा आपको पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन में देगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तीसरा ऑप्शन में देगा खेड़ा सत्याग्रह, चौथा ऑप्शन में देगा बारदोली सत्याग्रह। तो अब क्या लगेगा छात्रगण? खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की पहली बार मुलाकात किससे हुई थी? वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल, दोनों भाइयों से जो कि दोनों पेशे से वकील थे और दोनों भाई थे, इनसे मुलाकात हुई थी। ये भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो छात्रगण खेड़ा सत्याग्रह में किन किन बातों को आपको ध्यान देना है, याद रखना है। नंबर एक, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह कृषकों के समर्थन में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रसिद्ध कथन कहा था कर नहीं देंगे, है ना छात्रगण। तो ये सारे सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में आएंगे। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात हुई थी, उनके नाम क्या थे छात्रगण? वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल से गांधी जी की पहली बार मुलाकात किस आंदोलन में हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह में हुई थी। ये सारे चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये सारे चीजों को आपको मनन करना है, ये सारे चीजों को आपको अध्ययन करना है छात्रगण। ये सब भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आते हैं, इसलिए एक एक चीजों पर पैनी निगाहें रखें, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को छात्रगण मनन करें, ये सारे चीजें आपको काम में आएगी और आपके भविष्य निर्माण में सहायक होगी छात्रगण, है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे छात्रगण, अगले टॉपिक की ओर आ जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग और मनोरंजक टॉपिक है ये, है ना। हेडिंग बनाइएगा छात्रगण, रॉलेट एक्ट, एक्ट
हाँ हेडिंग बन गया छात्रगण, रॉलेट एक्ट। लिखिए तीर का निशान लाल कलम या हरा कलम से। इसे काला कानून भी कहा जाता है, इसे काला कानून, ब्लैक लॉ, ब्लैक लॉ, काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट तीर का निशान छात्रगण, यह काला कानून 1919 में भारत आया था। यह काला कानून 1919 में भारत आया था। नेक्स्ट, इस कानून का मुख्य प्रावधान, इस कानून का मुख्य प्रावधान न अपील, न वकील, न दलील, न अपील, न वकील, न दलील था, न अपील, न वकील, न दलील था। इस कानून का मुख्य प्रावधान न अपील, न वकील, न दलील था। नेक्स्ट तीर का निशान, इस कानून के तहत अंग्रेजी पुलिस, इस कानून के तहत अंग्रेजी पुलिस किसी भी भारतीय व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को कभी भी कहीं भी बिना वारंट के, बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लेती थी, गिरफ्तार कर लेती थी। नेक्स्ट, इस काले कानून के कारण, कारण संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार बंदी प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण का उल्लंघन होता था, बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लंघन होता था। नेक्स्ट तीर का निशान छात्रगण, रॉलेट एक्ट के कारण, एक्ट के कारण संपूर्ण भारत में 6 अप्रैल 1919 को, इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छात्रगण, 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस, राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था, था। छात्रगण, यह है रॉलेट एक्ट और से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल आएंगे। छात्रगण, क्या सवाल आएंगे आपको ध्यान देना है और इस टॉपिक को समझना है। छात्रगण, 1919 में अंग्रेजों ने एक काला कानून, ब्लैक लॉ को भारत भेजा था और उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था छात्रगण? रॉलेट एक्ट नाम था। क्या था यह कानून और क्या होता था इस कानून के द्वारा, छात्रगण जानिएगा। छात्रगण, इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना गिरफ्तारी वारंट के
कभी भी कहीं से भी गिरफ्तार कर लेती थी और सीधे जेल भेज देती थी, ना अपील, यानी कि वह व्यक्ति अपील भी नहीं कर सकता था, ना वकील, वह व्यक्ति अपना वकील भी नहीं रख सकता था कि न्यायालय में उसकी बेगुनाही का सबूत दे उसका वकील, ना दलील, ना उसकी दलील सुनी जाती थी कि मैं निरपराध हूं, मैं बेगुनाह हूं, मैं निर्दोष हूं। तो क्या किया जाता था छात्रगण, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को सीधे जेल भेज देती थी ब्रिटिश सरकार, और हो जाता था जेल, नहीं होता था बेल, जमानत भी नहीं दी जाती थी छात्रगण। ये था काला कानून, सोचिए कितना कठोर कानून था ये। छात्रगण, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे के अंदर न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिस रीट को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यह हमारे मौलिक अधिकारों में आता है छात्रगण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना छात्रगण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है, इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस कितने घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है, 24 घंटे के अंदर। छात्रगण, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है गिरफ्तार व्यक्ति को। छात्रगण, गिरफ्तार व्यक्ति जब 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह न्यायालय के समक्ष अपना निर्दोष होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, वह वकील के माध्यम से अपने बातों को वहां रखवाता है। लेकिन इस काले कानून में क्या ऐसा कोई प्रावधान था? नहीं। गिरफ्तार एक बार आप हो गए तो ना वकील, ना अपील, ना दलील। आपको गिरफ्तार जब एक बार हो गए तो आपको सीधे कहां भेज देगा? लाल कोठरी, जेल। क्या आप अपील कर सकते हैं न्यायालय में? नहीं। क्या वकील रख सकते हैं? नहीं। क्या दलील दे सकते हैं? नहीं। तो यह था इस कानून का बहुत ही कठोर प्रावधान। छात्रगण, पूरे भारतवर्ष में इस कानून का विरोध हुआ, और महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को कौन सा दिवस मनाया था छात्रगण? उन्होंने मनाया था उस दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस। पूछेगा किस कानून के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। कब मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। किसके आह्वान पर मनाया गया था? महात्मा गांधी के आह्वान पर मनाया गया था। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था छात्रगण। तो इस काले कानून के हर बात को छात्रगण याद रखिएगा, जबरदस्त रूप से आता है। कब भारत आया था छात्रगण? जवाब दीजिए आप। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, 1919 में। किसे काला कानून कहा जाता है? ब्लैक लॉ। हाँ, जवाब दें। हाँ, बिल्कुल सही आपने दिया, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून, ब्लैक लॉ कहा जाता है छात्रगण। बिल्कुल सही जवाब है ना। फिर आपसे पूछेगा इसी क्रम में, किस कानून के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को अंग्रेजी पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट के, बिना कारण बताए सीधे गिरफ्तार कर लेती थी और उसे सीधे जेल भेज देती थी? तो यह कानून कौन सा था छात्रगण? रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट के कारण भारतीयों को संविधान में वर्तमान में दी गई किस मौलिक अधिकार का हनन होता था? तो होता था बंदी प्रत्यक्षीकरण का हनन होता था छात्रगण। यानी गिरफ्तार व्यक्ति को प्रत्यक्ष तौर पर जो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है, वो लॉलेट एक्ट के तहत नहीं किया जाता था। न्यायालय में गवाही देने का मौका, न्यायालय में निर्दोष साबित करने का मौका नहीं दिया जाता था। यही इस कानून का मुख्य प्रावधान था छात्रगण। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। पैनी निगाह आपकी मैं चाहता हूं छात्रगण, इस रॉलेट एक्ट से जुड़े हुए हर पहलुओं को याद रखें, एग्जामिनेशन में आपके लिए जबरदस्त रूप से कारगर साबित होगा, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आइएगा छात्रगण, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, मनोरंजक है और बहुत जबरदस्त रूप से शानदार टॉपिक है छात्रगण। हेडिंग बनाइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपने नाम जरूर सुना होगा छात्रगण, कि कौन कौन है ऐसे यहां जिन्होंने नाम नहीं सुना है? ओ, सबने सुना है, वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप लोग इतिहास से तब तो परिचित हैं, मुझे लग रहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे सभी लोग मिल रहे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने सुना तो है और इसको जो है, इस घटना का नाम हमने सुना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विस्तृत जानकारी अब आपको प्राप्त करना है छात्रगण, कि सवाल क्या क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस पर अब हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना छात्रगण। चलिए, तीर का निशान देकर के लिखेंगे छात्रगण, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में
पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में एक अहिंसक सभा, अहिंसक सभा हो रही थी, हो रही थी, जिसके मुख्य कारण निम्न थे। नंबर एक, यह सभा, नंबर एक देख लिखेंगे छात्रगण लाल कलम से, नंबर एक लाल कलम से दीजिएगा, फिर नोट्स जैसे लिखते हैं ब्लू या ब्लैक से। यह सभा रॉलेट एक्ट के खिलाफ हो रही थी, यह सभा रॉलेट एक्ट के खिलाफ हो रही थी। नंबर दो, यह सभा सभा अमृतसर के दो कांग्रेसी नेताओं, सैफुद्दीन किचलू नंबर दो, सत्यपाल आर्य, सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल आर्य, दोनों के नाम लिखेंगे छात्रगण, सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल आर्य की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी। गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी, थी। हाँ, ये दो कारण थे छात्रगण। नेक्स्ट आइएगा तीर का निशान। इस सभा की सूचना हंसराज नामक भारतीय ने, इस सभा की सूचना हंसराज नामक भारतीय ने अमृतसर के ब्रिगेडियर जनरल, अमृतसर के ब्रिगेडियर जनरल आर डायर, जनरल आर डायर, ब्रिगेडियर जनरल आर डायर, इनवर्टेड कॉमा अंडरलाइन में रखेंगे छात्रगण, को दे दी। नेक्स्ट तीर का निशान। जनरल आर डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में प्रवेश कर गया तथा इस अहिंसक भीड़ को चारों ओर से घेर लिया, इस अहिंसक भीड़ को चारों ओर से घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया, लिया। नेक्स्ट छतगन तीर का निशान। जनरल आर डायर ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, जनरल आर डायर ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर से
आज्ञा प्राप्त की, आज्ञा प्राप्त की तथा उस अहिंसक भीड़ पर लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई, 1650 राउंड गोलियां चलाई। नेक्स्ट तीर का निशान। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। नेक्स्ट तीर का निशान छात्रगण। इस हत्याकांड में हजारों मासूम निर्दोष भारतीय मारे गए। नेक्स्ट। इस हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड या सर, इनवाइट कमांड लाइन में रखे छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइटहुड या सर को वापस लौटा दिया। नेक्स्ट। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य जी शंकरन नायर इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छात्रगण, जी शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। यह है छात्रगण भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक, एक हृदय विदारक, एक बहुत ही मन को व्यथित करने वाला, दुख देने वाला घटना, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। छात्रगण ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने कितने जुल्म और सितम हम पर किए हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके कि बताइए इस तरह का क्रूर हत्याकांड करना कहां तक जायज था, कहां तक वाजिब था। छात्रगण ये सवाल आपके सामने खड़ा हो जाता है। छात्रगण क्या सवाल आएंगे और क्या थी यह घटना, गौर करिएगा। पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, ऑप्शन में देगा 10 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। क्या लगाइएगा छात्रगण, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान देना है, एक एक चीजों को मनन करना है, एक एक चीजों को आपको याद रखना होगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, आपको उसे भी याद रखना है छात्रगण, आपको उसे भी मनन करना है, आपको उसे भी याद रखना है। पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था, तो आपको लगाना है पंजाब राज्य में हुआ था, जैसा कि आपने लिखा है अभी, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के किस शहर में हुआ था, तो आपको लगाना है अमृतसर में। छात्रगण अमृतसर गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है, सिखों का पवित्र गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल कहां पे है छात्रगण, अमृतसर में है। तो छात्रगण आपको इसे भी ध्यान रखना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, इस पर भी पहले निगाहें आपकी होनी चाहिए छात्रगण। फिर आपसे पूछेगा इसी क्रम में, और उसे भी आपको ध्यान देना है, उसे भी आपको मनन करना है, उसे भी याद रखना है। पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन सिखों का कौन सा पवित्र त्यौहार था,
छात्रगण, प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को सिख धर्म के लोग बहुत ही पवित्रता के साथ, बहुत ही जोश जज्बे और जुनून के साथ एक पर्व मनाते हैं जिसे कहा जाता है वैसाखी। कौन सा पर्व कहा जाता है छात्रगण? वैसाखी का पर्व कहा जाता है। वैसाखी का पर्व सिख धर्म के लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा। वैसाखी का पर्व, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए छात्रगण, एक एक चीजों को ध्यान देंगे, एक एक चीजों को मनन करेंगे छात्रगण। वैसाखी का पर्व जो कि प्रत्येक वर्ष सिख भाई बंधु लोग मनाते हैं, 13 अप्रैल को 1919 को इसी पर्व के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, अहिंसक सभा हो रही थी, है ना, बिल्कुल लोग निहत्ते थे, शांति से सभा कर रहे थे, लेकिन इस सभा की सूचना एक भारतीय व्यक्ति ने दे दी अंग्रेज को, अंग्रेजों को। उस भारतीय व्यक्ति का क्या नाम था छात्रगण? हंसराज। पूछेगा आपसे सवाल कि जलियांवाला बाग में हो रही सभा की सूचना किस भारतीय ने जो है जनरल आर डायर को दी थी, उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो हंसराज नाम था, उस व्यक्ति का नाम हंसराज था। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी अध्ययन करना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, एक एक चीजों को आपको गौर करना होगा छात्रगण। दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसे भी आपको गौर करना है, उसे भी आपको याद रखना है, उसे भी आपको मनन करना है छात्रगण। पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाला अमृतसर का ब्रिगेडियर जनरल का क्या नाम था? तो इसका नाम था जनरल आर टायर। छात्रगण इसी क्रम में आपसे पूछेगा कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम था? तो माइकल ओ डायर। छात्रगण ये संयोग कहा जाए या दुर्योग, उस समय दो दो डायर मौजूद थे छात्रगण, है ना, पंजाब में उस समय कितने डायर मौजूद थे? दो दो डायर मौजूद थे, दो डायर मौजूद थे छात्रगण पंजाब में, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। पंजाब में कितने डायर मौजूद थे? दो डायर मौजूद थे, एक जनरल आर डायर और एक माइकल ओ डायर। जनरल आर डायर जो था वो अमृतसर का ब्रिगेडियर जनरल था, माइकल ओ डायर था वह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये ऊंचे पद पर था या निम्न पद पर था? लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी राज्यपाल होता है छात्रगण, राज्यपाल बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है। आप जानते हैं किसी भी राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी कौन होता है छात्रगण? राज्यपाल होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण। यहां टेक्निक से आपको याद रखना है, ओ ने ऑर्डर किया, माइकल ओ डायर को जैसे ओ आप मान लें, है ना, अंग्रेजी में हम लोग लिखिए ऑर्डर, ओ ऑर्डर दे दिया गोली चलाने का, है ना, किसको? आर को, जनरल आर डायर, और इसी को अंग्रेजी शब्द हम लोग लिख लें आर। आर ने इसे राइट कर दिया, आज्ञा का पालन कर लिया। ट्रिक से याद रखिए छात्रगण, है ना, ऑर्डर कौन दे रहा है? माइकल ओ डायर। गोली चलाने का आदेश कौन दे रहा है छात्रगण? ऑर्डर कौन दे रहा है? माइकल ओ डायर। और उस आदेश का पालन कौन कर रहा है? जनरल आर डायर। आर डायर उसे राइट कर दे रहा है, आर डायर उसका पालन कर रहा है। बहुत ही हिट क्वेश्चन है छात्रगण, पैनी निगाहें रखिए, एक एक चीजों को ध्यान दीजिए, एक एक चीजों को मनन कीजिए, एक एक चीजों को याद रखिए। हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको माइकल ओ डायर और जनरल आर डायर से जुड़े हुए हर पहलुओं को याद रखना होगा, पैनी निगाहें रखनी होगी छात्रगण। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतनी दर्दनाक घटना घटी छात्रगण, मैं आपको बताऊं कि जलियांवाला बाग कैसा है, हो सकता है आप में से कई लोग गए भी होंगे, नहीं गए हैं तो जीवन में एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि अमृतसर आप यदि जाइएगा तो आपको गोल्डन टेम्पल तो मिलेगा ही, जलियांवाला बाग ऐतिहासिक स्थल तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको बाघा बॉर्डर जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर का नाम आपने सुना होगा, ये भी जलियांवाला बाग और स्वर्ण मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित है जो कि अमृतसर में स्थित है छात्रगण। जलियांवाला बाग की स्थिति में आपको बताऊं तो जलियांवाला बाग में घुसने और निकलने का एक संकरा सा रास्ता केवल था छात्रगण, बाकी चारों ओर से वह दीवारों से घिरा हुआ था, दीवारें भी काफी ऊंची ऊंची थी। जलियांवाला बाग में कुआं भी था छात्रगण, है ना छात्रगण। जब जनरल आर डायर ने अपने सैनिकों के साथ घेर लिया निहत्ती भीड़ को, अहिंसक सभा को, तो उसने जब गोलियां चलानी शुरू कर दी तो लोग भागने लगे छात्रगण। कई लोग कुएं में कूद कर जान बचाने की कोशिश किए, कुएं में लाश का ढेर लग गया, कई लोग भाग करके जान बचाने की कोशिश किए छात्रगण। इस भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष,
कोई ऐसा नहीं था जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, देश की वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ। छतगन, कई लोग दीवार फांद कर भागने की कोशिश किए लेकिन वो दीवार को भी फांद नहीं पाए क्योंकि दीवार बहुत ऊंची थी। आज भी जब आप जाओगे तो उन दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, आज भी उन दीवारों पर अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा के निशान मौजूद है। छतगन, आपको देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाएगा कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि इतने निहत्थी भीड़ पर इतनी गोलियां चलाना और उनको जान से मार देना। छतगन, ये बहुत बड़ी घटना थी भारतीय इतिहास की, जिसे एक काला अध्याय भी कहा जा सकता है। छतगन, तो याद रखिएगा, छतगन माइकल ओ डायर ने ऑर्डर किया और जनरल आर डायर ने उसे राइट कर दिया। माइकल ओ डायर कौन थे? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जनरल आर डायर कौन थे? अमृतसर के ब्रिगेडियर जनरल थे। छतगन, इस घटना से दुखी होकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड या सर को लौटा दिया। बोला, नहीं, मुझे नहीं रखना है यह उपाधि। बड़े सरकार, तुम क्रूर हो, तुम निकम्मी हो, तुम क्रूरता की पराकाष्ठा हो, मैं नहीं रखूंगा तुम्हारे द्वारा दी गई उपाधि को, और नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दिया। छतगन, वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य थे, जी शंकरन नायर, इन्होंने भी वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। बोला, नहीं, मैं ऐसे ब्रिटिश सरकार की कार्यकारिणी में नहीं रह सकता जो कि इतनी क्रूर हो। पूछेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा देने वाले भारतीय सदस्य का क्या नाम था? तो आपको लगाना होगा, जी शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर किस भारतीय ने अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड या सर को वापस लौटा दिया था? तो आपको लगाना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दिया था। छतगन, छतगन जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ, है ना, पूरा विश्व अंग्रेजों पर कीचड़ उछालने लग गया, पूरे विश्व ने कहा कि यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। छतगन, अंग्रेजों ने इसे लिपापोती करने का प्रयास किया और अंग्रेजों ने खाना पूर्ति के लिए, महज खाना पूर्ति के लिए एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग ने क्या किया, किस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड की खाना पूर्ति की गई और महज जो है अंग्रेजों ने दिखावे के लिए काम किया, ये छतगन बहुत ही रोचक टॉपिक है, इसको हम लोग जानेंगे अगली कक्षाओं में। छतगन, और आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, है ना, तब तक के लिए आप सबों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।